नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे मनी ट्रांसफर पोर्टल के बारे में जिसमें आप बहुत ही इजी प्रोसेस से मनी ट्रांसफर कर पाते हैं। अन्य पोर्टल की तुलना में ये काफी इजी है। अगर आपने गलती से 2-2-5 कर दिया है तो आप घबराइए मत, बिल्कुल 2-2-5 होता नहीं है, 2-2-4 होता है। कहने का मतलब अगर आपने कोई और कंपनी का आईडी लेके रखे हैं 2G स्पीड वाला, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि वैसे रिटेलर आईडी जहां पर आप बैंकिंग पूरा सिस्टम दे सकते हैं, आधार विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, टू व्हीलर इंश्योरेंस, कई सारे सर्विसेज के साथ पूरा बैंकिंग सर्विसेज आप लोगों को मिनी बैंक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हां, आज बात कर रहा हूं इजी कैश पॉइंट सीएसपी के बारे में। इजी कैश पॉइंट का एईपीएस मनी ट्रांसफर बिजनेस के लिए बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है और इस वीडियो में आपको एक मनी ट्रांसफर करके भी दिखाने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हां, अगर आप 2G स्पीड वाला कोई पोर्टल या कोई एप्लीकेशन लेके चला रहे हैं, किसी कंपनी का रिटेलर बन के काम कर रहे हैं, तो आपको अब 5G में आ जाना चाहिए। जी हां बिल्कुल 5G में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का बेस्ट मनी ट्रांसफर प्रोवाइडर इजी कैश पॉइंट का नाम है, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता है। क्योंकि इतना इजी है मनी ट्रांसफर करना कि आप खुद देखेंगे तो कहेंगे वाह। अगर आप मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कम चार्जेस भी है मनी ट्रांसफर के ऊपर, प्लस सबसे अच्छी बात है कि आपको यहां पे मनी ट्रांसफर जो मिलता है वो काफी इजी और सिंपल स्टेप मिलता है। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, काफी सिंपल सा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी बैंकों का आधार निकासी, मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, सारे सर्विसेज को आप दे सकते हैं। इसके अलावा सभी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कई सारे सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप 2G कंपनी का कोई आईडी चला रहे हैं तो आपको जल्दी से इजी कैश पॉइंट का आईडी ले लेना चाहिए, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मनी ट्रांसफर करके दिखाता हूं, इसके लिए डीएमटी के ऊपर क्लिक करेंगे। डीएमटी पे क्लिक करने के बाद यहां पे एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फटाक से मोबाइल नंबर डाल देता हूं। यहां पे एक ट्रांसफर का ऑप्शन है, ट्रांसफर में क्लिक करने के बाद इससे पहले जो भी पैसा भेजा होगा सारे अकाउंट दिखाई देगा। अगर इनमें से कोई नहीं भेजना है तो आपको प्लस वाले अकाउंट में क्लिक करना है, यहां पे अकाउंट नंबर एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद यहां पे बैंक सेलेक्ट करना है, कोई कौन सा बैंक में आपको पैसे भेजना है। तो हमने यहां पे बैंक सेलेक्ट किया, आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप, आईएफएससी कोड का कोई झंझट नहीं। कस्टमर आईएफएससी कोड लेके नहीं आया, कोई समस्या नहीं, आईएफएससी कोड की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ले लेगा, प्लस कस्टमर का नाम भी बता देगा। बिल्कुल ये बैंक वाला सिस्टम है भाई, ऑटोमेटिक कस्टमर का नाम भी आ गया, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ये कस्टमर का लिस्ट में आ जाएगा, जैसे और सब कस्टमर का अकाउंट ऐड था। यहां पे अकाउंट को सेलेक्ट किया, अमाउंट एंटर किया 500 का, मैं डेमो के तौर पे करके दिखाता हूं। यहां पे आईएमपीएस सेलेक्ट किया, पे के ऊपर क्लिक किया, यस किया। यस करने के साथ ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, ना कस्टमर का आईएफएससी कोड की जरूरत, ना कोई ब्रांच डालने की जरूरत। कई सारे पोर्टल में, बहुत 2G जमाने का पोर्टल आपने यूज किया होगा, जैसे वहां पे मनी ट्रांसफर करते हैं तो कस्टमर का ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड लाया है या नहीं लाया है, काफी सारा समस्या, गूगल में सर्च करते रहते हैं आईएफएससी कोड। तो आपको 5G जमाने में आ जाना चाहिए। इजी कैश पॉइंट का ये बेस्ट पोर्टल मनी ट्रांसफर का आईडी लेने के लिए, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर आप संपर्क कर सकते हैं हमें। धन्यवाद।